तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एक कविता का जिसका नाम है बूंदें आई। सावन का महीना होता है जिसमें बारिश होती है और बारिश में हम सब लोग बहुत आनंद करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कभी हमें क्या संदेश देना चाहता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है ताकि हम अच्छी से अच्छी कहानियां और कविताएं आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 13 बूंदें आई। रिमझिम रिमझिम सी बूंदें जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कभी कह रहा है कि रिमझिम रिमझिम मतलब वर्षा की जो बूंदें हैं वो रिमझिम रिमझिम करते हुए संसार के आंगन में आई हैं और अपने लघु, और लघु कहते हैं बहुत छोटे से, उज्ज्वल कहते हैं उजले से, तन कहते हैं शरीर को, अपने छोटे से उजले सफेद शरीर में कितनी सुंदरता लेकर अपने साथ ये आई है। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। कभी कहता है कि बादलों ने गरज गरज कर उन पौधों के साथ में एक बहुत ही मनमोहित आनंद से भरा हुआ एक संगीत हमें सुनाया है और इस पावन सी हरी भरी संध्या पर इस बारिश ने और इस बादलों की गरज ने हमें खुशी से पागल बना दिया है। आगे कभी कहता है सूखी सरिताओं ने, सरिताएं कहते हैं नदियों को, सरिता नदी का पर्यायवाची है, नदियों को सरिता कहते हैं। सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाया, लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। कभी कहता है कि वर्षा होने से, वर्षा की जो रिमझिम बूंदें बरस रही हैं, वो अपने शरीर को बहुत ही उजला और सुंदर शरीर लेकर जमीन पर आ रही हैं। उनके आने की खुशी में बादल गरज गरज कर हमें संगीत सुना रहे हैं, जिस संगीत से ये हरी भरी संध्या बिल्कुल प्रकाशमान और बहुत अच्छी हो गई है, जो हमें खुशी के मारे पागल करती जा रही है। और इसकी बारिश की वजह से सूखी हुई सरिताएं जो नदियां हैं उन्होंने फिर से नया जीवन पाया था, तो उनमें फिर से पानी का बहाव तेज हो गया है, पानी उनमें भरने लग गया है और उनकी छोटी छोटी सी लहर लहर पर देखो सौंदर्य कहते सुंदरता नाचने लगी है। वन उपवन, वन कहते हैं जंगलों को, बड़े बड़े जंगलों को, उपवन कहते हैं बगीचों को। वन उपवन फिर से हरियाली पा गए हैं, पनप गए हैं और कितने नवंकुर पाए, जो वन उपवन में जो पौधे हैं छोटे छोटे उन पर जो बारिश की बूंदों से फिर से उनमें नमी आई जिसकी वजह से उनमें नए नए कलियां अर्थात अंकुर निकलने लगे हैं। आगे कभी कहते हैं वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। पल्लव कहते हैं पत्तों को, जो वृक्षों के जो पत्ते सूखने लग गए थे उन पर पानी आने से फिर से उनमें कहते हैं कि हरियाली आने लग गई है। वन में मयूर अब नाचे हंस हंस आनंद मनाए, उनकी छवि देख रही है नब से घनघोर घटाएं। कभी कहता है कि वन में इस सुंदरता भरी जो बारिश हो रही है इससे वन में मोरों ने फिर से नाचना शुरू कर दिया है और वे सारे मोर और मोरनिया हंस हंस कर आनंद मना रहे हैं। उनकी जो छवि है, उनकी जो सुंदरता है देखने के लिए जो ऊपर से घटाएं और बादल आ रहे हैं वो खुशी मना रहे हैं। प्रतिपल हम नाचे खेले जग जीवन मधुर बनाए, अपने छोटे से घर में सुख का संसार बसाए। कभी कहता है कि ऐसे मधुबन में, ऐसे सुंदर वातावरण में हम हर क्षण नाचे कूदे और खुशी मनाए और हमारे खुश होने से हमारा आसपास का वातावरण भी खुश हो जाएगा, रमणीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम खुशी मनाएंगे और अपने से छोटे से घर में इस सुंदर से माहौल में हम खुशी बरसाएं। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता के माध्यम से हमें बहुत अच्छा संदेश मिलता है कि हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, आनंद से रहें और खुशियां मनाएं घर में, सब लोग प्रेम से रहें। और बड़े अच्छी तरीके से इसका संदेश हमें देखने को मिला है कि हम जब खुशी से रहेंगे तो हमारा जीवन, हमारे साथ हमारे पड़ोसियों का जीवन, संसार का जीवन मधुर हो जाएगा, खुशी से भर जाएगा। अगर आपको कविता अच्छी लगी है तो कविता को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके अलावा दूसरे लोगों को भी कविता सुनने को मिले। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।